जस्ट मैं अभी एक वीडियो देख रहा था पुनीत सुपरस्टार का, सॉरी पुनीत सुपरस्टार नहीं, लॉर्ड पुनीत। तुम तो बिग बॉस पे जाके 2-3 एपिसोड करके तुम फेमस हुए और ऐसा दोस्त है जो मेरा अप एंड डाउन हर जगह में मेरे को सपोर्ट करता है, गाइस मेरे को हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करता है, कैसे भी हालत में मेरे को सपोर्ट कर देता है। सो यही बात मैं बोलूँगा, दोस्ती एंड आपका रिलेशनशिप ये सबसे अच्छा होना चाहिए। तो आप स्ट्रेस फ्री एंड हेडेक फ्री एंड मतलब बहुत कुछ से फ्री रहोगे, सबका लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल, योर लाइफ स्टाइल ब्लॉग चैनल बॉम्बे। बाहर का वेदर देखोगे अभी कैसा बन के रखा है, पूरा बारिश हो रहा है। सुबह 6:30 बजे आप जब नींद से उठते हो कि आप देखते हो कि ऐसा वेदर, आपका नींद खुलना नहीं चाहता, आपको फिर से लगता है कि मेरे को बिस्तर फिर से बुला रहा है, मैं जाके सो जाता हूँ। अभी जाके लाइट ठीक ठाक है, मतलब अप्रोप्रिएट जो लाइट चाहिए बैकग्राउंड में वैसा लाइट यहाँ रहा। सो सबसे गंदा आदत जो है ना, सुबह उठ के जो फ़ोन को स्क्रॉल करते हो, नीचे उठ के फ़ोन आप चेक करना शुरू कर दो, तो सबसे ज़्यादा गंदा आदत है। इसके बाद डिप्रेशन में भी जाती है। सो मैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह उठ के एटलीस्ट 1 घंटा फ़ोन से दूर रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो जाता है फ़ोन के सामने, लेकिन आधा घंटा का तो गैप होता है। सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा है हर 100 में से 90% लोग ऐसा ही करते हैं, सुबह से उठ के अपना फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और चले जाते हैं डिप्रेशन में। क्योंकि आप जितना भी स्क्रॉल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स आपका ज़्यादा टाइम खाने वाला है, जो टाइम आप नॉर्मल काम पे आप लगा सकते हो वो टाइम आपका शॉर्ट्स खा ले। आज से एंड अभी से ही बंद कर दो स्क्रॉल करना है, एंड जितना हो सकता है फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करो, एटलीस्ट नींद से उठ के 1 घंटे का कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो आधा घंटा, फिर धीरे धीरे उसको टाइम बना के 1 घंटे का दूरी मेंटेन करो। जस्ट मैं अभी एक वीडियो देख रहा था पुनीत सुपरस्टार का, सॉरी पुनीत सुपरस्टार नहीं, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार का। उसमें उस देखा मैंने कि वो मतलब कैरी मिराटी, थकेश लाइफस्टाइल, फिर ट्रिगर इंसान, इन लोग को बोल रहे ये कौन है। भाई मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इन लोगों से लगो मत, तुम्हारा चैनल ऐसे ही डाउन कर देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। जो टिकटॉक को खा रखा है वो तुमको खाने में ज़्यादा टाइम नहीं देगा। तुम तो बिग बॉस पे जाके 2-3 एपिसोड करके तुम फेमस हुए, और ये लोग अपना दम पे वीडियो बना के ये लोग फेमस हुआ है। एंड उससे भी ज़्यादा थकेश लाइफस्टाइल में बीईटी वाइंस आया था, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, एक टाइम में इंडिया को दिखाया था वाइंस क्या होता है, और तुम उसको बोल रहे हो ये कौन है, उसका चैनल में छपड़ी लोग आता है। भाई 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 सुनो सुनो सुनो, बीईटी वाइंस ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बना। वो आज का डेट में करोड़ों रुपए कमाता है, और उसका जो वीडियो है ना, उसका वीडियो के लिए अगर 1 साल बाद भी वीडियो आएगा ना, लोग ऐसे ही देखेगा, लेकिन तुम 1 साल बाद वीडियो डालोगे तुम्हारा चैनल ऐसे डाउन हो जाएगा। सो इसलिए इन लोगों से लगो मत, ये लोग एक लेवल में पहुंच गया है। मेरे को काम पे भी जाना है और बारिश हो रहा है, अभी मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे मैं काम पे, अभी मेरे को निकलना सही रहेगा क्योंकि अभी बारिश भी कम हो गया है और मेरा ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, कुछ 8:20 हो रहा है, सो अभी निकलना ही सही रहेगा। अभी कैमरा में कलर ब्लर सब कुछ परफेक्ट आ रहा है, जैसा मैं चाह रहा था इतना दिन से कि DSLR खरीदा, एटलीस्ट एक अच्छा वाला कॉन्टेंट बने, अच्छा वाला पिक्चर क्वालिटी बने, सब कुछ अभी परफेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा एडिट के लिए मैं इतना दिन से यूट्यूब में कोई वीडियोज़ नहीं देखा, इतना अच्छे से मैंने वीडियोज़ वगैरह नहीं देखा। उस दिन लास्ट मतलब 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियोज़ देखा उसमें जो सेटिंग्स किया थोड़ा बहुत ही चेंजेस किया, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्वालिटी कितना बेटर हो गया।
सबसे बड़ा चीज़ बोलने से DSLR खरीद के अगर अच्छा पिक्चर क्वालिटी में आप लोगों को दे ना सकूँ तो मेरे को ना बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी मेरा टारगेट दूसरा है, अभी मेरा टारगेट जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, क्योंकि अगला साल मतलब आने वाला साल में 2024 में मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ एंड मैं खरीदने वाला हूँ GoPro 11 या तो GoPro 12 वो टाइम में अगर निकल जाएगा तो, क्योंकि उसमें 4K वीडियो शूट होता है, क्योंकि अभी का टाइम है 4K, अभी आने वाला दिन में शायद से 5K भी हो जाएगा। सो मेरे को एटलीस्ट 4K में वीडियो निकालना पड़ेगा एंड एक कैमरा लेके मैं जैसे ऐसे खड़ा करना कैरी करना इसमें ना बहुत दिक्कत होता है, कुछ कुछ जगह में कैरी करना भी अलाउ नहीं रहता, लेकिन GoPro में ईजीली हर जगह में कैरी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे GoPro की तरफ जाऊँ, अपना सेटअप GoPro में बना लूँ, तो उसमें क्या होगा मेरा वीडियो क्वालिटी भी और भी अच्छा आएगा एंड मैं अच्छा स्लोमो निकाल सकता हूँ, जैसे ये कैमरा में स्लोमो वीडियोज़ नहीं आते तो GoPro में अच्छा स्लोमो टाइम लैप्स ये सब कुछ आ जाएगा एंड वीडियो क्वालिटी और भी बेटर बन जाएगा। तो अभी मेरे को बाइक लेने जाना है, मैं फटाफट ऑफिस का ड्रेस अभी नहीं पहनूंगा क्योंकि अभी भी टाइम है मेरे पास थोड़ा बहुत, तो मैं नॉर्मली ये पहन के चला जाता हूँ, क्योंकि बारिश हो रहा है, छतरी लेके मैं निकल जाता हूँ भैया के घर से, बाइक लेके आ जाता हूँ फिर ड्रेस करके निकलूँगा। हवा देखे बारिश हो रहा ना उसका डरा ही दिया था, एक मिनट के लिए नींद टूट गया मेरा, लिटरली नींद टूट गया, और अभी देखो एकदम नॉर्मल ठंड हो गया। तो मैं सुबह सुबह वर्कआउट नहीं करता, वॉकिंग नहीं करता, आज थोड़ा अच्छा हुआ मैं वॉकिंग करके आ गया, थोड़ा सा वर्कआउट हो गया। से भी बाहर बारिश नहीं हो रहा है, मेरा छतरी जो लेके गया था ज़्यादा भीगा भी नहीं, हल्का फुल्का भीगा मतलब लाइट ड्रिजलिंग हो रहा है, तो वो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ड्रेस पहन के निकल लूँ, छतरी ले लेता हूँ अपने साथ, बस उससे काफ़ी है, रेनकोट पहनना वहनना उतना पसंद नहीं। ओपन किया था लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बीच में एक बटन नहीं, यहाँ पे एक बटन है और यहाँ पे बीच का बटन गायब हुआ है, सो ये धोने के टाइम पर शायद प्यू ने कहीं पे संभाल के रखा होगा, तो आने के बाद इसको सील करना पड़ेगा, इसको सील स्टिच करना पड़ेगा, यहाँ संभाल के रखेगा बटन मेरे बीच है, तो इसको प्यू जैसे ही आएगा उसको थोड़ा सा स्टिच कर दो बस हो जाएगा। मेरे को स्टिच करना आता है लेकिन मेरे से अच्छा प्यू कर दो, उसका एक्चुअली सब्जेक्ट में भी था तो उसको स्टिचिंग बहुत अच्छे से आता है। बचपन से लेके परसों तक मतलब इतना दिनों में मैं कभी भी बिग बॉस नहीं देखा, जब से बिग बॉस चालू हुआ है तब से मैं अब तक नहीं देखा, परसों ही सिर्फ मैं देखा था, जब से मेरे को मालूम पड़ा बिग बॉस पे अभी कोई कोई यूट्यूबर गया है जैसे कि फुकरे इंसान, फिर एलविश यादव जब से गया है मैं तब से ही देखना शुरू किया, क्योंकि एज अ क्रिएटर मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियो देखना, सो इसलिए मैं जस्ट देखा कि क्या होता है नहीं होता, तो थोड़ा सा मज़ा आया मेरे को देखने में। सही बात बोलने से मेरे को कभी अगर ऑफर आएगा मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उतना दिन विदाउट एनी फ़ोन, विदाउट एनी लैपटॉप, विदाउट एनी फोटो वीडियोज मैं रह नहीं सकता, उतना पैसों का ज़रूरत मेरे को नहीं है, मेरे से होने वाला भी नहीं। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही ये घर में आया शुरू हो गया है कि करके ऑर्डर, पानी भरो, घर को झाड़ू पोछा मारो, सब कुछ करो, ये मैडम को देखो, वाह वाह बिस्किट लाओ, ये लाओ, सब कुछ भी दिन दिन इसका डिमांड बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसको देख रहा हूँ। मैं क्या बोला था कि मेरा बेबी को स्टिचिंग बहुत अच्छे से आता है, देखो जैसे ही बोला उसको स्टिचिंग कर दो उठ के बैठ गया, तो यहाँ पे अभी स्टिचिंग करना शुरू भी कर दिया। एक्चुअली इसका सब्जेक्ट में था तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा ये सब चीज़ का। तुम्हारा मुंह भी बहुत अच्छे से स्टिच कर सकते हो, करो। नहीं नहीं, नहीं मेरा मुंह स्टिच नहीं करना, पापा एंग्री वूमन, एंग्री यंग मैन होता है मेरा बीवी है, एंग्री वूमन। Yay!
किया था इसका हाथ मेरा लेग का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो रहा है ऐसा डेली 2-3 सेट करने से मेरा पेट तो कम हो जाएगा गारंटी आ रही है कितना वेट है 61 ना माय गॉड ऑस्कर से भी ऊपर अगर कुछ है वो भी मिल जाएगा इसको देखो 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 तो पानी नहीं है विदाउट पानी आंसू है थूक लगा के पानी निकाल रहा है। सबसे खतरनाक चीज मैंने रियलाइज किया है कि सबसे ज्यादा टाइम अगर आपका खराब करता है तो वो है शॉर्ट्स रील्स ये सब कुछ क्योंकि 15 सेकंड का होता है या तो मैक्सिमम 1 मिनट का होता है तो आप लॉन्ग कंटेंट देखने से अच्छा यही देख लेते हो कंटिन्यू और उसमें टाइम ज़्यादा खा लेता है कैसे आपका 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा बीत जाता है पता भी नहीं चलता अभी इंसानों के पास टाइम भी नहीं है सो ब्लॉग को ख़त्म कर देते ब्लॉग पता है छोटा बनाया लेकिन लॉन्ग कॉन्टेंट भी आ जाएगा बहुत जल्दी सो थोड़ा सा वेट करो सब्सक्राइबर बढ़ा सो टाटा बाय बाय मिलते हैं कल या तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग में।